हम बनाएंगे हैदराबादी दम का गोश्त। इसे बहुत कम मसालों से तैयार करने वाले हैं, काफ़ी ये मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा, आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद APS में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसका पीस हमने बड़ा रखा है और लेग पीस में हमने कट लगा दिया है। इसे हमने पानी और विनेगर से अच्छे से धुल लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। दम का गोश्त बनाने के लिए बड़े पीस का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे वो है 2 बड़ा चम्मच भरकर नारियल पाउडर। ये नारियल का बुरादा भी कहते हैं, अगर ये नहीं है तो नारियल को कटिंग करके ले लेना है। 6 काजू 6 बादाम, अगर छोटे साइज का है तो आप 7 से 8 ले लीजिए। यहाँ पर काली मिर्च हमने 1 छोटी चम्मच लिया है, 1 काली इलायची, 2 दालचीनी 1 इंच की, 4 लौंग, 4 हरी इलायची और 2 जावित्री का फूल। इसे धीमी आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। कलर चेंज हो चुका है, खुशबू भी अच्छी आने लगी है। इस पॉइंट पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे। पीसने से पहले कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है, गोल्डन कलर का फ्राई कर लिया था और इसे हम शामिल कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें, दही 1 कटोरी भरकर, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी दही है, गाढ़ा लेना है और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बारीक पीस लेना है, पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे हम चिकन में ऐड कर देते हैं। साथ ही बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे 2 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है, हल्दी का इस्तेमाल कम करना है, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 2 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे हमारे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक पसंद के मुताबिक। यहाँ पर हमने ले लिया 1 मुट्ठी धनिया, जितना हमने धनिया लिया है उसका जस्ट आधा पुदीना ले लिया है, 2 हरी मिर्चें ले लिया है, 1 नींबू का रस, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड करना है और सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हम जितने अच्छे से मिक्स करते हैं उतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, जो हमारा मसाला है वो चिकन के अंदर तक चला जाता है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे तेल। तो जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी तेल को हमने ले लिया है और तकरीबन ये 1/2 कप तेल है, इसे हम ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें हमने 1 से 2 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करना है। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर देसी घी हम ऐड करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। दम का गोश्त बनाने का ये ऑथेंटिक तरीका है, इस तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, एकदम शादियों की तरह बनकर तैयार होता है। तो अब इसका ढक्कन लगाकर पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो हमने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसे 1 बड़ा सा बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस बर्तन में आपको चिकन तैयार करना है उसी बर्तन में आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। जिस बर्तन में आपको पकाना है उस बर्तन में भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन का जितना पीस है सभी को चारों तरफ से फैला लेंगे, ऐसा फैलाएंगे जैसे सारे चिकन बॉटम से टच हो। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से सेट कर लेना है, ये तैयार हो गया है। इसे ऑथेंटिक तरीके से तैयार करने वाले हैं इसलिए हमने आटे का सील करना है। आप चाहें तो इसे सिर्फ ढक्कन से ढककर भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से जो बनता है वो दम का गोश्त सील करके बनता है। तो यहाँ पर आटे से हमने सील कर दिया है, ढक्कन को रख कर हाथ से दबा दिया है ताकि अंदर से स्टीम बाहर ना निकले। ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से हमने सील कर दिया है। तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसे हम गैस पर रख लेते हैं, हाई फ्लेम पर हम इसे 4 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद धीमी आंच पर हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए दम देंगे।
40 मिनट के लिए हमने इसे धीमी आंच पर पकाया है और 40 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दिया था और उसके 10 मिनट के बाद इसकी लीड हम हटा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दम का गोश्त बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दम का गोश्त तैयार करने के बाद इसकी खुशबू जो होती है पूरे घर में फैल जाती है, काफ़ी ज़्यादा खुशबू आती है। तो ये तैयार हो गया है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। दम का गोश्त बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। जब सर्व करें तो उस टाइम हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप रोटी, नान, पराठे के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अभी आपको तोड़कर भी दिखाते हैं कि मसाला जो है वो अंदर तक चला गया है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है, अंदर से बहुत जूसी भी तैयार हुआ है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो जो गोश्त होता है वो अंदर से टाइट हो जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हैदराबादी दम का गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।